मजे में पढ़ ले भाई और लगाए ठहाका। हमारा शादी तोड़ केंद्र भी नहीं चला, सब तेरी वजह से। तू जो बेकार में लोगों के घर तोड़वाने की जगह जुड़वाने में लगा हुआ था। अरे तो मेरा कसूर क्या है भाई? मैं किसी का हंसता खेलता फलता फूलता घर बर्बाद होते नहीं दे सकता, मैं क्या करूं? तो फिर बैठ, आराम से घर में बैठ और अपने हंसते खेलते फलते फूलते घर की बर्बादी का जश्न देख और बसा दूसरों के घर। बसा दूसरों के घर, बसा। अरे आइडिया, क्यों ना हम शादी तोड़ केंद्र की बजाय शादी जोड़ केंद्र बनाएं और जनता के घर बसाएं। मैं बनता हूँ पंडित, तुम बन जाओ पंडिताई। वो लाठक जी जैसा। शादी करवाओ स्वाहा, लड़के आएंगे स्वाहा, लड़की आएंगी स्वाहा। अरे नए नए बच्चे बच्ची आएंगी, उनकी शादी शादी करवाओ और उनको भेजो। नहीं 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 नहीं, हम बच्चों की शादियां नहीं करवाएंगे, वो कानून के खिलाफ है। हम सिर्फ जवान लड़के लड़कियों की शादियां करवाएंगे। सुन तो लेना यार, तो सुनती नहीं है। बच्चे बच्चियों का मतलब आजकल यंग 20-22 साल के बच्चे शादी कर लेते हैं, वो आएंगे शादी करवाएंगे ना उनकी हम लोग। हाँ, वो ठीक, वो ठीक, वो ठीक। तो जितने लड़के आएंगे उनको तू संभाल लेना, ठीक है? जितनी लड़की आएंगी उनको मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, खबरदार जो तू किसी लड़की के पास फटका है तो उन्हें मैं हैंडल करूंगी। जैसे कोई लड़की आए ना तो उसे मेरे पास भेज दीजो। अरे भेज तो मैं दूंगा, लेकिन लड़की तेरे पास आने में इंटरेस्टेड हो तब ना, जब वहाँ पर उनके सामने मेरे जैसा टॉल डार्क हैंडसम और स्मार्ट बॉय बैठा होगा तो लड़कियाँ तो अपने आप मेरी तरफ मक्खी की तरह खींची चली आएंगी। आएंगी आएंगी, जरूर आएंगी। अम्माएं, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, वो सब आएंगी तेरे पास, तू जो टॉल डार्क एंड हैंडसम है। अच्छा मगर देख चकोर सिंह, इस बार तूने अगर कोई गड़बड़ की है ना तो तेरी खैर नहीं। इस बार मुझे सब हैंडल करने देना, समझा? तू हर बार तू गड़बड़ करता है, इस बार तो तेरी खैर नहीं। अच्छा हाँ। आप तो मिस परफेक्ट हैं, कभी कोई गलती करती नहीं है आप, हाँ? हर काम बिल्कुल ठीक ठाक करती है। अरे अगर मैं तेरे साथ ना हूँ ना तो तेरा एक दिन भी काम नहीं चले। नानी याद आ जाए आधे घंटे के अंदर। जाजा, मैं ही सब कुछ हैंडल करती हूँ, जो सही होता है मेरी वजह से होता है। तू तो हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, यू आर अ प्रॉब्लम क्रिएटर। अच्छा हाँ, चलो इस बार करो हैंडल अकेले, हम भी देखते हैं कि तुम क्या गुल खिलाती हो। चैलेंज कर रहा है मुझे? बिल्कुल कर रहा हूँ चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, इस बार मैं सब हैंडल करूंगी, तू सिर्फ मुझे असिस्ट करना, हाँ? मेरी सहायता कर। चैलेंज यानी चुनौती तो रबिया ने भी स्वीकार की। एक चुनौती थी उसकी विकलांगता की, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी एक व्हीलचेयर से बंध गई। दूसरी चुनौती थी केरल के पिछड़े इलाके मालमपुरा में साक्षरता का संदेश फैलाने की। वैसे केरल की कहानी साक्षरता मिशन की कामयाबी की कहानी है। ये भारत का वो प्रदेश है जहां 100% साक्षरता है और महिलाओं की भागीदारी इस सफलता की सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है। समुद्र तट पर बसे मालमपुरा में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या है। सदियों से एक पिछड़ा इलाका रहा है, पर जब साक्षरता की आंधी केरल में चली तो मालमपुरा भी नहीं छूटा। यहाँ साक्षरता अभियान की सफलता के पीछे हाथ है रबिया जैसी उत्साहित स्वयंसेवकों का। संपूर्ण साक्षरता इन धैर्यतोड़ പറയാൻ കാരണം അന്ന് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ, പഠിക്കാൻ ധാരാളം പഠിതാക്കൾ ആ അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല, ഇന്ന് എൻ്റെ ആദ്യം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 പഠിതാക്കളോടുകൂടി ക്ലാസ് തുടങ്ങി, പിന്നെ ആ 7 പെട്ടെന്ന് 25 അങ്ങനെ ഒരു 10-56 ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വരെ പ്രാപ്തരായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഈ അനാരോഗ്യം കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ്. റബിയ കഹതീ ഹൈ കി ശുരു മേ സിർഫ് വോഹി ഏക് പഠാനേ വാലി ഇൻസ്ട്രക്ടർ തീ ഓർ പഠനേ വാലോ കി സംഖ്യ കാഫി ബഡി തീ, പർ അബ് ഉസ്കേ ശിഷ്യ ഭീ അധ്യാപക് ബൻ ബൈഠേ ഹൈ.
അപ്പൊ ഇന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവർക്ക് എല്ലാരും പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് പഠിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ, പഠിക്കാൻ ധാരാളം പഠിതാക്കള്, ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം ഇൻസ്ട്രക്ടർമാര്, പഠിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത. കാമയാബി ഇസേ ബഡി മിസാൽ ഓർ ക്യാ ഹോ സക്തി ഹൈ കി പെഹലെ ബഹുത് സാരെ പഠനേ വാലോ കേ ലിയേ സിർഫ് ഏക് ടീച്ചർ തീ. ആജ് സഭി ടീച്ചേഴ്സ് ഹൈ ഓർ പഠനേ വാലേ ബച്ചേ ഹി നഹീ. आज ये अक्षर सेनानी खुश है कि अपनी विकलांगता के बावजूद वो गरीब औरतों के बीच साक्षरता की मशाल जला पाई है. अपने इलाके में ये पूजी तो जाती ही है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला है. पिछले साल युवा श्रेणी में इसे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था. अब एक ही मकसद है इसका, समाज सेवा. चकोर कब आएंगे हमारे घर आप? नमस्ते चौधरी साहब. राम 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 राम. मैं बोलता कम हूँ, काम की बात ज्यादा करता हूँ. ये बता, तेरे पास कोई सुंदर सुशील लंबी चोरी भट्टी कट्टी गोरी चिट्टी छोरी है? हाँ जी हाँ, आपको यहाँ हर तरह की लड़की मिलेगी. दुबली मोटी छोटी लंबी गोरी काली हर जगह की मिलेगी. हर जगह की मिलेगी. लंदन, हिंडन, सिंगापुर, रामपुर, अलीपुर, इंडोनेशिया, अमेरिका, रांची, हर करा हर तरह की लड़की मिलेगी. आप देख भाई, मेरे पास सब चीज की मौज है. जमीन है, जदाद है, खेती है, बाड़ी है, ट्रक है, टेम्पू है, मारी खूब इज्जत है. जी जी जी. लोग आगे पीछे घूमते हैं मारे. अच्छा लड़की की शादी कर दी. अब देख, घर के अंदर कोई सुशील कन्या आ जा तो घर में चार चांद लग जाएंगे और हमारी इज्जत भी खूब बढ़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर लड़की कभी आ गई तो उसका टाइम भी पास हो जाएगा. क्यों जी? सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे. और देखो जी, लड़की एकदम खुश रहेगी, धन दौलत के बीच खेल लेगी और राजकुमारी की त्रिया राज करेगी. सबके ऊपर रोब रहेगा उसका. जी जी. आप उनको बता दीजिए कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए, मतलब कि पढ़ी लिखी कितनी हो. कमाल की बात करते हो, पढ़ाई लिखाई का हमने क्या करना, कोई नौकरी करवानी उससे? अरे भाई, हमारे पास सब चीज की मौज है. एक फार्म हाउस ही बेचूंगा ना, पानी की त्रिया भी से बरसेंगे. लेकिन चौधरी साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अपने बेटे से भी पूछ लें. हाँ. कि उसको लड़की कैसी चाहिए. शादी तो पढ़ी लिखी चाहिए. आजकल के यार, क्या कमाल की बात कर रहे हो तुम? अरे छोरे की शादी मैं कर दूंगा साल दो साल के बाद. इब तो मने अपने वास्ते छोरी चाहिए. शादी आप करना चाहते हैं इस उम्र में? देखा आपने, चकोर को जो बात गलत लगी उसने नहीं की. इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गजौला गांव के रिक्शा चालक रहीमुद्दीन को ये बात परेशान करती थी कि उसके गांव वाले निरक्षर थे, सो अपने पत्र तक उन्हें दूसरों से पढ़वाने पड़ते थे. इसके कारण उनके राज जग जाहिर हो जाते थे और गांव वालों को दूसरों के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी. बस रहीमुद्दीन ने ठान ली कि गांव वालों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे और पूरी तरह से साक्षर बनाएंगे. रहीमुद्दीन का कहना है कि वो गांव से अंगूठा टेक का कलंक मिटाकर ही रहेगा. जब तक अंगूठा टेक हमें दिखाई देता रहेगा साहब, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे. पूरे पढ़ लिख कर अपना ज्ञान पूरा सही कर लेंगे, तब इसका पीछा छोड़ेंगे. सब कामयाब हो जाएंगे जब. पर रहीमुद्दीन खुद अनपढ़ था, सो पहले उसने खुद पढ़ना लिखना सीखा. फिर दिन भर रिक्शा चलाकर अपने ही पैसों से मिट्टी का तेल खरीद कर रोशनी का प्रबंध करके लोगों को पढ़ाना शुरू किया. कमा करके पैसा इकट्ठा करके उसमें से पैसों से तेल लेते हैं, तेल लेकर लंप जला के अनपढ़ों को पढ़ाते हैं जी. रहीमुद्दीन के गांव में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं. वहां साक्षरता सिर्फ नाम की है, लेकिन वहां भी उन्होंने कई लोगों को साक्षर कर दिया है. रिक्शा चलाना एक दम तोड़ काम है. शाम को थके हारे रहीमुद्दीन मन से नहीं हारते हैं, बल्कि गांव पहुंचते ही ताजा दम हो जाते हैं. उन्हें खुशी मिलती है. दिली खुशी होती है जी कि हमारे गाँव की शोभा बढ़े,
हमारा गांव अच्छा माना जावे, इसलिए। गांव के लोगों की पोल न खुले इस कोशिश में रहीमुद्दीन ने कुछ लोगों को साक्षर कर दिया है और कुछ हो रहे हैं। किसने कहा था तुझे बीच में बोलने के लिए? मैंने तुझे इस बार कहा था ना, चुप रहना, भगवान के लिए चुप रहना, क्यों बोला बीच में? अरे कमाल कर रही हो, जवान लड़के की शादी और ये बुड्ढे के साथ, तो मैं बीच में क्यों नहीं बोलूंगा? मैं क्या जरूरत थी बोलने की, तेरा कोई काम है उसमें बोलना? अरे हद हो गई, हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अरे जवान बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती बुड्ढे के साथ। किसने कहा था कि मैं हम लोग जवान लड़की ढूंढते? 50 साल का आदमी कोई ऐसा बूढ़ा होता नहीं है, कोई अच्छी खासी मैच्योर औरत उसके लिए ढूंढ देते थे। 40-45 लेकिन उसको जवान चाहिए थी ना। एक्सक्यूज मी प्लीज। नमस्कार। देखिए मैं पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालता हूँ, हैं? भाई खातों में क्या जूझना चाहिए, कैसे जूझना चाहिए, मुझे सब मालूम है। आप मुझे पढ़ाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ क्विक फिक्स शादी सेंटर? नहीं नहीं, गलती हो गई जी, गलती हो गई सर, उससे नेवर माइंड। ओके ओके, आप बताइए हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं? आपको लड़के की जरूरत है या लड़की की? हमारे पास में हर तरह की लड़की मिलेगी, नो प्रॉब्लम जी। अगर आपको, आप बताना, आपको लंबी चाहिए या छोटी, आपको पतली चाहिए या मोटी, या गोरी या काली, मतलब किस तरह की? देखो देखो, मैं हूँ लड़के वाला जी, मोटी पतली मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, है? अगर मोटी होगी तो हमारे घर में आके अपने आप पतली हो जाएगी। अरे उसकी बात छोड़ो, लेन देन की बात करो, लेन देन की अंडर दी टेबल, मेरा मतलब है कि टेबल के नीचे। टेबल के नीचे से समझा नहीं जी। देखिए मैं समझाता हूँ, मेरा लड़का है, उसका नाम है पीलू। पीलू, ये कैसा नाम हुआ? नहीं समझे ना? नहीं, दरअसल बात ये है कि जब मेरा लड़का पैदा हो रहा था ना जी, उस वक्त बसंत पंचमी था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो पैदा हुआ उसे पीलिया हो गया, हाँ, इसलिए हमने उसका नाम ही पीलू रख दिया। हाँ 18 बरस का है और 12वीं पास है। हाँ, खाने पीने में, खिलाने पिलाने में, पढ़ाने लिखाने में बेचारा बीमार भी बहुत रहता है ना, उसके ऊपर खर्चा कुछ तकरीबन 4 लाख रुपए का हो गया। तो क्या करें? मेरी नौकरी पक्की है, उसकी भी पक्की हो जाएगी। हो जाएगी, अभी है नहीं, मास्टर रोल पर है ना वो, अपने है ना प्रेम प्रकाश, वो पॉलिटिकल वाले। अच्छा, हाँ हाँ, वही वही प्रेम प्रकाश जी, वो उसे पक्का करा देंगे। 3 लाख रुपया उस पे लग जाएगा। हाँ, मेरी अपनी बेटी थी बेचारी, अब नहीं रही। ओह वेरी सॉरी, ससुराल वालों ने जला डाला। जला दी? ओह वेरी सॉरी टू हियर। ना ना ना, अफसोस की कोई बात नहीं है। क्यों? अफसोस की कोई बात नहीं है, अरे अब ननद और भाभी में झगड़ा नहीं होगा ना। पॉइंट है, पॉइंट है। आप देखिए मेरे 3 बबुआ और हैं छोटे, मतलब 3 कुत्ते। बबुआ है 3 छोटे-छोटे बच्चे, अब उनका 1-1 लाख रुपए और जोड़ लीजिए। उसकी एक सास भी है, बहुत नकचढ़ी है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। बर्तन होगा है उसके हाथ में, गमला आ जाएगा उसके हाथ में, मर्तबान आ जाएगा, जो भी होगा दे मारेगा, वो खतरनाक है उसका। आप एक काम करिए, 1 लाख रुपया कम कर दीजिए। लेकिन अभी हिसाब किताब और बहुत बाकी है। देखो मैं हिसाब किताब में बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा बॉस कहता है जो भी काम करो अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट। मैंने सब कुछ इस फाइल में लिख दिया है, इसलिए मैंने ये फाइल पुट अप कर रहा हूँ तुम्हारे। अच्छा, इसमें पढ़ लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए अगर वो लड़की घर का सारा काम काज करती है तो आप 70,000 रुपए कम कर दीजिए। 70,000 कम कर दीजिए। अब मैं घर जाऊंगा, घर जाकर डिसाइड करूंगा कि गाय भैंस को चारा बड़ी बहू देगी या ये लड़की देगी। अगर ये लड़की देगी तो 35,000 और कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, 35,000। गुड गुड। मेरा मझला लड़का है पागल है, दिमाग खराब कर देता है, जो चीज आती है उठा के सिर पे दे मारता है, बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ अगर वो उसको संभाल लेती है ना तो 70,000 और कम कर दीजिए। आप जानती हैं क्या है? ये डाउरी है, डाउरी दहेज है, ये दहेज। आप हमारे यहाँ पर दहेज मांगने आए हैं या शादी करवाने आए हैं? ये जनाब क्विक फिक्स शादी सेंटर है, दहेज सेंटर नहीं है ये। हम दहेज नहीं दिलवाते, आपसे जानते नहीं है, दहेज मांगना एक कानूनी जुर्म है। मैं आपको अंदर छोड़ूंगा, पुलिस को फोन करूंगा। अभी मैं कहता हूँ चुप कर जा, मैं यहाँ लेक्चर सुनने के लिए आया हूँ। अरे ये तो फैमिली टू फैमिली गिव एंड टेक का मामला, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? जी नहीं, ये तुम्हारे
मैं कहता हूँ बहुत घटिया विचार है तुम्हारे, मुझे नहीं करवानी यहाँ पे शादी। विचार तुम्हारे घटिया है, भेज मांगने आए आप, भेज रहे लड़के को अपने, लड़का वो बीमार है, जो पीलिए से बीमार है उसको बेच रहे हैं, बदतमीज कहीं का। काम डाउन काम डाउन। दहेज लेना और देना ना सिर्फ एक गलत प्रथा है बल्कि कानूनी जुर्म भी, पर फिर भी ये प्रथा शादी ब्याह के साथ जुड़ी एक हकीकत है। शादी ब्याह के साथ एक और बात जुड़ी है, मेहमाननवाजी। अपने मेहमानों के खातिरदारी में लोग क्या क्या करते हैं इसके किस्से तो बहुत हैं, और बात जब राजस्थान की हो रही हो तो फिर क्या कहने। ये देखिए, राजस्थान के शिवनगर गाँव में रहने वाले गुजर जनजाति के लोगों को, जो अपने मेहमानों का स्वागत अफीम खिलाकर कर रहे हैं। क्या करें, इनकी सदियों से चली आ रही परंपरा जो ठहरी, और तो और इनके मेहमान भी ऐसे कि जिन्हें अगर अफीम या शराब ना मिले तो ये अपने संबंधी के यहाँ जाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए हमारे जो ऊट बैठ बिगड़ जाती है, इसलिए उनको खिलाते पिलाते। ये तो रही बीते समय की बात, अगर स्थितियाँ अब तेजी से बदल रही है और जैसे जैसे लोगों का नाता अक्षर और अंकों से जुड़ रहा है, वैसे वैसे उनका नाता कुछ पुरानी खतरनाक परंपराओं से भी टूट रहा है। हालांकि ये काम बहुत आसानी से नहीं हुआ, इसके लिए साक्षरता अभियान से जुड़े आखर सैनिकों ने जी तोड़ मेहनत की, लोगों को समझाया बुझाया, पर अक्सर होता ये था कि ये लोग कुछ दिन तो अफीम से दूर रहते लेकिन बाद में फिर से शुरू कर देते। तब सोचा गया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये लोग अफीम खाना छोड़ दें। पंचायत की बैठक बुलाई गई और लोगों ने कसम खाई अफीम से नाता तोड़ने की और किताबों से नाता जोड़ने की। जब से हमारे साक्षरता कार्यक्रम चला और हमारे लोगों में जागृति आई, और उसी उस टाइम से हम जो इस फिल्म को छोड़ दी। बस फिर क्या था, इधर गुजरों ने कसम खाई उधर हालात बदलने लगे। कल तक ये स्कूल जाने के नाम से डरते थे, मगर आज ये तो ये इनके घरों की महिलाएं बच्चे तक सभी स्कूल जाते हैं। आखिर सैनिकों के जरिए ये बैंक में पैसा भी जमा करवाते हैं ताकि वक्त बेवक्त किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। पहले साहब हमारे को ध्यान नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, थोड़े बहुत कोई जानते भी नहीं थे, इसलिए जमा नहीं कराते हैं। और अब धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा शाम को पढ़ता ही कराता मैं, तो धीरे धीरे ज्ञान होने से हर महीने के 100 रुपये जमा कराते हैं। कल का अफीमची गांव शिवनगर आज साक्षरता के क्षेत्र में अनूठा उदाहरण बन गया है। आज यहाँ शिक्षा के फैले उजाले से समाज में फैले हर अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। चकोर सिंह, वाह, खुश हो गए हम तुमसे, कितना अच्छा काम किया तूने, वो दहेज वाले को भगा करके बिल्कुल ठीक काम किया तूने। क्या करूं, मुझसे गलत काम होता ही नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि ये जो बाकी लोग ये जो शादी का धंधा करवाते हैं, ये मतलब गलत काम करते होंगे ना, पता नहीं कैसे चलता है उनका धंधा। हाँ। वो लाठक जी को देखो, धन चल रहा है उनका धंधा, लेकिन हमसे काम गलत नहीं होता है ना, क्या करें। एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, मुझे लगता है कि ये जो मेज है ना, इसकी पोजीशन गलत है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, इसलिए क्लाइंट हमारे पास नहीं आते। अच्छा? इसको हटा दे, हटा दे। हाँ, चलो निकालो निकालो, शायद यही मालूम है। हाँ निकाल, हटाओ इसको। ये कहीं टेबल, देखो कोई ना कोई जरूर आएगा। बहन जी हमारी मदद करो, बहन जी हमारी मदद करो, हमारी मदद करो बहन जी, हमारी इज्जत बचा लो भाई जी, क्या हमारी इज्जत बचा लो। लेकिन क्या हुआ बहन जी, अब आपसे क्या छिपाना, मारी लाडली कितने अरमानों से उसे पाला पोसा, वो कल उस छोकर के साथ भाग गई, मारी तो नाक कट गई। नहीं नहीं देखिए आप बहन जी, हम उससे वापस तो लिया पर मारे को समझ नहीं आवे कि क्या करे। बहन जी अगर वो छोरा मुझे मिल जावे ना तो मैं तो उसे छोड़ू ना। देखिए आप शांत रहिए, शांत रहिए, दुख का पहाड़ किस पर नहीं टूटता, तकलीफें किसके ऊपर नहीं आती, ये दुख जब भी आता है जिस पर फाड़ के आता है, आप फिक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा। आप ये बताइए कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब तो हम उस चंगुई के हाथ पीले करने का विचार रखिए, काली पर सिंदूर लग जाएगी तो कम से कम नाक तो बच जाएगा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कोई लड़का ढूंढो, कैसा भी लड़का चलेगा, छोटा मोटा लंगड़ा लूला सफेद बाल काले बाल लड़ाका पटाका, कैसा भी लड़का होना चाहिए बस। और कोई छोटी सी किराने की दुकान भी हम खोल देंगे। हमारी इज्जत। रोइए मत, देखिए आप रोइए मत, आदमी अरे आदमी शेर होता है, कोई समस्या हल नहीं होती, आदमी को शेर होना चाहिए शेर। आप रो रहे हैं, आदमी होकर रो रहे हैं आप। बहन जी हम आपकी शरण में आए, बड़ी उम्मीद से कर रहे हैं। तो शादी कब तक करना चाहते हैं आप? आज शाम 8 बजे लड़के को कपड़े पहना कर मंडप में भेज देना।
आपकी कमीशन भी डबल हो जाएगी। डबल कितनी? 15% ऑप्शन, 15% एक्स्ट्रा, यानी कि 15% रिटर्न बैक करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, हम पेमेंट आपको चेक से करेंगे। हाँ। जब से हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है ना, तब से वी डील ओनली इन चेक। यानी कि आप हमको 20% देंगे चेक से, उस पर से हम आपको 15% वापस करें किकबैक। हाँ, वो भी अंडर द टेबल। काम तो झरिया की कोयला खदानों में भी टेढ़ा ही होता था। मजदूर काम करते थे और उसका फायदा उठाते थे रंगदार। होता ये था कि कोयला ढुलाई के लिए मजदूरों को कंपनी से जितने भी पैसे मिलते, उसमें से आधे से अधिक रुपए रंगदारों द्वारा हड़प लिए जाते थे। चूंकि मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण उनसे रजिस्टर पर भी ठप्पा लगवा लिया जाता था। चाहकर भी ये बरसों से हो रहे शोषण का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि अनपढ़ होने के अलावा न तो इनमें एकजुटता थी और न ही साहस। धनबाद जिला औद्योगिक क्षेत्र के साथ माफिया क्षेत्र भी है और लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में हजारों के तादाद में स्वयंसेवकों को लेकर के निस्वार्थ आंदोलन चलाना बहुत कठिन काम था। ऐसे में जब साक्षरता अभियान शुरू हुआ तो साक्षर कर्मियों के सामने चुनौती थी कि कैसे इन मजदूरों को रंगदारों के शोषण से मुक्त करवाया जाए। सबसे पहले जिला साक्षरता मिशन के लोग कोयला मजदूरों के बीच गए और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। कला जत्थों की टीम ने मजदूरों के बीच नाटक किए, जिसमें ये संदेश छिपा था कि सूदखोरी के चंगुल में फंसने से, शराब पीने से, अनपढ़ रहने से क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। माहौल बनाने के लिए दीवारों पर नारे लिखे गए। धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई का वातावरण बनने लगा तो खुद ही कोयला मजदूरों की जुबान साक्षरता के गीत गुनगुनाने लगी। फिर बात आई किताबों की। इन मजदूरों के लिए खास तरह की प्राइमर, जिसका नाम था काला सोना, बनाई गई। इससे कोयला मजदूरों को रंगदारों के खिलाफ संगठित होने की प्रेरणा मिली। मजदूरों ने इस किताब को बड़े चाव से अपनाया। ये किताब मजदूरों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि जब भी काम से मौका मिलता, कोयला मजदूर चाहे कोल डंप हो या ट्रक पर ही पढ़ाई शुरू कर देते। अक्षरों की दुनिया में जैसे ही मजदूरों ने कदम रखा तो क ख ग ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। जैसे अब कोई भी रंगदार कभी भी किसी मजदूर से पैसे लेने की कोशिश करता है तो विरोध का नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और सैकड़ों मजदूर मिलकर रंगदार को मार भगाते हैं। और तो और, ये नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताकि रंगदार फिर से सामने फटकने न पाए। आज ये जितना काम करते हैं उतना ही दाम लेते हैं, मगर पहले की तरह ठप्पा लगाकर नहीं, बल्कि हस्ताक्षर करके। साक्षरता अभियान चले से हम सब पढ़ लिख के अपना रंगदारी को हटा दिए, अपना जो शोषण मिलता है अपना मजदूरी हक लेते हैं। ये साक्षरता का ही परिणाम है कि रंगदारों की धांधली को चुपचाप सह लेने वाले मजदूरों में आज एक नई चेतना और विश्वास जगा है, अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए, दुनिया को जानने समझने के लिए। बहुत टेढ़ा है। अब देखो ना, सुबह से एक नए पैसे का धंधा नहीं हुआ और ऊपर से जितने क्लाइंट आए थे सब भाग गए। भाग नहीं गए, उन्हें भगा दिया गया। क्या मतलब? तूने उन्हें भगा दिया। मैंने भगाया? हाँ। क्यों? एक बुढ़ा था इसलिए भगा दिया, एक को दहेज चाहिए था इसलिए भगा दिया, दूसरा दहेज देना चाहता था इसलिए भगा दिया, सबको भगा दिया तूने। देख, अगर जो जिसे लड़का चाहिए था और जिसे लड़की चाहिए थी उन दोनों को हम लोग मिला देते, जिसे दहेज देना था और जिसे दहेज देना था उन दोनों को हम लोग मिला देते तो उनका काम हो जाता, साथ में हमारा भी काम हो जाता, हमको कमीशन मिलता 30% ईच। 30%, फिर जाते हम लोग 5-star में खाना खाने और मैं अपना नया स्कूटर भी खरीद लेता। मैं ब्यूटी पार्लर में जाती, बिल्कुल माधुरी दीक्षित बन के बाहर निकलती और मैं पक्की दुकान खरीद लेता, पक्की दुकान। दुकान में क्या रखता तू? अरे तरह तरह की चीजें, तरह तरह के गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड बच्चों के, बड़ों के रेडीमेड गारमेंट्स। गारमेंट नहीं, गारमेंट। वही मतलब, गारमेंट मतलब कपड़े। हाँ। और बहुत सारी साड़ियाँ भी। साड़ियाँ? हाँ। अरे तो मेरा काम बनता ना। मतलब
मैं तेरी दुकान से साड़ी ले लेती, पहन लेती, फिर एक बार पहनने के बाद उसको तय करके तुझे वापस कर देती, तू बेच लेता। यानी कि मैं अपने ग्राहकों को सेकंड हैंड साड़ियां बेचूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल गलत काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। क्या? तू गलत काम नहीं करेगा, इसीलिए तो हम इस हाल में फंसे हुए हैं। कहां से? हे भगवान, 5:30 बज गए, 8 बजे तक दूल्हा पहुंचाना है, कहां से लाएंगे हम दूल्हा? चकोर सोच सोच सोच, जल्दी सोच, कहां से लाएंगे? जल्दी कहां से लाएंगे? माल भी अच्छा मिलने वाला, लेकिन दूल्हा क्या? नहीं कुछ नहीं, ऐसे एक आइडिया आ रहा था। क्या आइडिया? नहीं आइडिया तो है, लेकिन शायद तुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई क्यों नहीं लगेगा यार, तेरा आइडिया तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। बोल बोल बोल। नहीं नहीं तू बुरा मान जाएगी। नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगी, बोल ना। नहीं नहीं तू रहने दे। अरे नहीं बता ना। मैं सोच रहा था कि अगर मैं अगर दूल्हा बन के चला जाऊं तो। तू दूल्हा बन के जाएगा? हाँ तू दूल्हा बन के जाएगा 8 बजे की शादी में? हाँ। हरगिज नहीं, ये आइडिया कैंसिल। चंदा और चकोर की जोड़ी करती धूम धमाका, मजे मजे में पढ़ ले भाई और लगाए ठहाका। एक एक भी दो, एक दो, एक भी दो। जितने का उतना पैसा, गणित हमारा हो ऐसा, अक्षर अक्षर जोड़ के जाने दुनिया बनती कैसा। एक दो, एक भी दो।